नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब और कमाने वाला लीडर कैसे बने। आपने बहुत सारे ट्रेनर से सुना होगा सक्सेस टीम, लेकिन वो प्रैक्टिकली जब मार्केट में जाते हैं और समस्या खड़ी होती है, जब मार्केट में जाते हैं जो प्रोडक्ट बेचने के लिए दिक्कतें होती है, जब टीम बड़ी होती है, टीम टूट के चला जाता है, समस्या खड़ी होती है, इन सारी समस्याओं का समाधान आज आपके पास लेके आए हैं। आप इस वीडियो को अंतिम समय तक देखें और आप सब्सक्राइब और लाइक्स नहीं किए तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि ऐसे हम सक्सेस टिप्स आपके बीच में लाता रहेंगे। तो हम चलते हैं समस्याएं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेस्ट अर्निंग फॉर डायरेक्ट सेलिंग, बिजनेस अप्लाइंग रिस्पेक्ट टू। अगर आपको कामयाब और कमाने वाला लीडर बनना है तो सीनियर को जो है ना रिस्पेक्ट करिए। सीनियर ही बताएगा कि अगर आपको कामयाब होना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम बड़ा होते हैं, जैसे जैसे कामयाब होने लगते हैं, हम सीनियर को भूल के अपने आप को शेर बन जाते हैं कि जो किए हम ही किए, और यहीं से गड़बड़ चालू होती है। क्योंकि सीनियर जिस रास्ते पे चला है, वो कामयाब हुआ है, वो ही बताएगा कि कैसे कामयाब होता है। तो आप क्या करते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपकी डायरेक्ट सेलिंग में समस्या बढ़ने लगती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बढ़ेगी तो समस्या भी बढ़ेगी। आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग में टीम खड़ी होगी, समस्या बड़ी होगी, और अब जिंदगी में रोज गड़बड़ी होगी। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि टीम जब बढ़ती है ना तो बैलून की तरह होता है, जब छोटी होती है तो वो खिंचाव उसमें कम होता है। जैसे जैसे बैलून फूलेगा वैसे वैसे उसमें खिंचाव आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में टीम खड़ी तो समस्या बड़ी, अब जिंदगी में रोज गड़बड़ी होगी। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, और ये गड़बड़ी के वजह से आपको कंपनी छोड़ के लोग नहीं जाते, आपको छोड़ के जाते। याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी छोड़ के नहीं जाते, लोग सीनियर को छोड़ के जाते हैं। उसका वजह क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में टीम तो खड़ी लेकिन समस्या बड़ी। अब होगा जिंदगी में रोज गड़बड़ी, क्यों भैया? क्योंकि इसका वजह यही है, क्योंकि जब नेटवर्क मार्केटिंग में जब छोटा टीम होता है ना तो उसको खिंचाव कम होता है। जब बैलून होता है ना, बैलून में जब हवा कम होती है तो तनाव कम होता है। जैसे जैसे हवा भरती है तनाव बढ़ती है, जैसे जैसे बैलून बड़ा होता है और तनाव बढ़ती है, और एक समय आता है बैलून फूट जाता है जब तनाव दबाव नहीं सह पाता। उसी तरह लीडर जब शुरुआत करता है तो छोटी टीम होती है तो तनाव कम होती है, जैसे जैसे टीम बढ़ेगी तनाव बढ़ेगी, जैसे जैसे टीम बड़ा होगा खिंचाव होगा, टीम में गड़बड़ी होगी, तालमेल नहीं होगा, आपस में लोग लड़ेंगे, किसी का बीवी खा जाएगा, किसी का पैसा खा जाएगा, टीम बड़ी होगी तनाव बढ़ते चला जाएगा, बड़ी टीम होगी संपर्क टूट जाएगा और अचानक विस्फोट होगा और टीम खत्म हो जाएगी, और फिर कहेंगे वो मेरे सीनियर ने धोखा किया, वो मेरे जूनियर ने पैसा खा गया, मेरे ये जो है पूरी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि टीम बड़ी हो गई है, और जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी समस्या। जिस दिन इसका समस्या का समाधान करने सीख गए, उस दिन एक वीगन बड़े अचीवर और एक बड़ा लीडर बन सकते हैं। तो आपको कामयाब और कमाने वाला लीडर बनना है तो एक बात याद रखना, आपकी मंजिल, जब तक आपका टारगेट, जब तक आप टॉप लीडर नहीं बन जाते, जब तक टॉप पे नहीं चले जाते, जूनियर कुछ भी बोले, आपके क्रॉस लाइन कुछ भी बोले, आपको कुत्ता कमीना भी बोले, आपको बर्दाश्त करने की क्षमता, आपको पेशेंस रखने की क्षमता, जोश के साथ होश रखने की क्षमता, अभ्यास करते रहना है, और इन सारे चीजों को आपको मन में रखना है। जब तक आपकी मंजिल ना मिले, जब तक आपकी टारगेट पूर्ण ना हो, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो सीनियर को ही लोग छोड़ के चले जाएंगे, आप खुद छोड़ के चले जाएंगे, और आप फिर आप उस कंपनी को छोड़ गए, फिर उस कंपनी को छोड़ेंगे, कितना दिन छोड़ेंगे,
हर बार फेल होते रहेंगे। आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला याद रखना, आपको अपने टीम को समय देना पड़ेगा। आपके टीम से लड़ाई झगड़ा ना हो उसके लिए उसको समय देना पड़ेगा, रूटीन बनाना पड़ेगा, रूटीन के साथ चलना पड़ेगा। आपको खाली समय नहीं व्यतीत करना है, क्योंकि खाली समय और खाली जमीन दोनों का परिणाम पूरा होता है। मान लीजिए आपके पास ऐसे जमीन, खाली बंजर जमीन है, ये आपका है, लेकिन आप इस बंजर जमीन को अपना है करके खाली छोड़ देंगे तो इसमें कांटीला झाड़ी उगेगा, इसमें घास फूस उगेगा, और जब इसमें आप जाइएगा तो आप ही को चुभेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, आपको अपना जमीन भी खाली है तो उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह ये दिमाग है, दिमाग, जब आप इस दिमाग को खाली छोड़ते हैं, इसमें तरह तरह के लोग कान भरते हैं, इसमें तरह तरह की बातें डालते हैं, कई कंपनी का फोन आएगा, कई लीडर का फोन आएगा, और इसको खाली छोड़िएगा, बिजी नहीं रखिएगा, तो इसमें खतरनाक चीजें आएगा और आपको ये बर्बाद करके चला जाएगा। इसलिए इसका परिणाम बुरा होता है। इसलिए सोच बड़ी रखिए, सोच बड़ी है लेकिन काम छोटी होगी तो काम गड़बड़ी होगी, और जब काम गड़बड़ी होगी तो जिंदगी किसी कोने में सड़ी होगी। इसीलिए मेरे दोस्तों, काम करो तड़ातड़ी, और देहाती का बात है, धराधरी नदी पार। आप जो है एक दूसरे का सहयोग करें, आप एक दूसरे का मदद करें, क्योंकि जिंदगी में अगर कामयाब और कमाने वाला लीडर बनना है तो आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। जैसे एक उदाहरण, आपके सिंह का हाथ पकड़ के चलना है। एक बार बाप बेटे एक आर जो खेत होता है उस आर में चल रहे थे, दोनों तरफ खाई थी, अचानक गड्ढा दिखा, बेटे ने कहा, पिताजी हाथ पकड़ लीजिए नहीं तो गिर जाइएगा। पिताजी को बड़ा खराब लगा, लगा बेटा बोल रहा है हाथ पकड़ लीजिए, थोड़ा सा ईगो लगा, लेकिन पिताजी ने बेटा से कहा, बेटा तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं गिरने वाला नहीं। नहीं पिताजी, मैं कह रहा हूं मेरा हाथ पकड़ लीजिए। उसे और खराब लगा, लेकिन पिताजी ने कहा, बेटा तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं गिरने वाला नहीं हूं। बेटा ने कहा, पिताजी आप गलत सोच रहे हैं, अगर मैं आपका हाथ पकड़ के चलूंगा तो मैं गिर भी सकता हूं, लेकिन जिस दिन आप मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा ना, मुझे यकीन है आप मुझे गिरने नहीं दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन सीनियर आपका हाथ पकड़ लेगा वो आपको गिरने नहीं देगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने का काम है। सीनियर से तालमेल बना के रखिएगा, तभी आप टॉप पे जा सकते हैं। जिस दिन आपके रिस्पेक्ट खत्म हो गई, जिस दिन तालमेल खत्म हो गई, कंपनी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, या आप खुद ही सीनियर को छोड़ के चले जाएंगे। यही वजह है कि लोग जो है इस लाइन में सीनियर को छोड़ के चले जाते हैं, इसीलिए गड़बड़ी होती है। इसलिए कहावत है, धराधरी नदी पार। नदी में भी जब पार हो रहे हैं, अकेले फिसल सकते हैं, पकड़ के चलिएगा, खींच के नदी पार कर सकते हैं, यानी मंजिल उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। हमारे जैसे ये टॉप लीडर हैं, एक दूसरे को कोऑपरेशन करके यहाँ तक पहुंचे हैं, आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। इनकी सोच भी बड़ी है और काम भी बड़ी है, इसलिए इनकी काम में गड़बड़ी नहीं है, इसलिए जिंदगी आज यहाँ पे खड़ी है। आप क्या करते हैं, सोच तो करोड़ों रुपया कमाने की रहती है लेकिन काम छोटी, इसलिए काम गड़बड़ी होती है, इसलिए जिंदगी किसी कोने में सड़ी होती है। दर्द, गम, डर जो भी है वो तो आपके अंदर है, खुद के बनाए हुए एक पिंजरा से कैद हैं, उससे बाहर निकल के देखो, तू भी एक सिकंदर है।